बेसिकली मैं भी साइंस मूवमेंट के दौरान जो है वो जुड़ा था आंदोलन में, और उसके बाद जो है विद्यार्थी आंदोलन से जुड़ते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर आया हूँ। और पिछले 3 साल का हमारा आंदोलनों का अनुभव ये है कि जिस प्रकार से देश के अंदर और हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी सत्ता में आई है, उसके बाद उसने न केवल नव उदारीकरण की नीतियों को आगे बढ़ाया है बल्कि सोसाइटी के अंदर सांप्रदायिक आधार पर बड़ा विभाजन पैदा करने की कोशिश की है। और खासकर हरियाणा के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ सांप्रदायिक के अलावा जातीय आधार पर, खासकर जाट आरक्षण आंदोलन को जिस ढंग से हरियाणा के अंदर बीजेपी ने सत्ता में आते उसको आपस में एक जनता को बांटने की एक कोशिश की है, वो एक बड़ा एक इस बीच का एक एक्सपीरियंस है जिसमें जाट और नॉन जाट के नाम पर ऐसा एक ध्रुवीकरण हरियाणा के अंदर हुआ जिसमें 30 से ज़्यादा जो है नौजवानों की मौत हुई और लंबे टाइम तक कर्फ्यू हरियाणा के अंदर रहा, बहुत हानि हुई। ऐसे समय पर हमारे सामने खासकर चुनौती ये थी कि कैसे जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन को खड़ा किया जाए और लोगों के इश्यूज़ को जो है वो केंद्र में लाया जाए, क्योंकि पूरी हरियाणा की सोसाइटी जाट और नॉन जाट के अंदर बटी हुई थी। और ऐसी स्थिति में CITU हरियाणा की राज्य कमेटी ने, और खासकर हमारे फॉलोइंग जो है वो क्योंकि ज़्यादातर बैकवर्ड सेक्शन से है, SC सेक्शंस के से है, तो उनको आंदोलन के अंदर जोड़ पाना एक बड़ी एक चुनौती भरा काम था, जिसको लेके हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई हरियाणा के अंदर। और पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन, और खासकर अभी रिसेंटली जो है पिछले 3 महीने के अंदर जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन है स्कीम वर्कर्स का आंदोलन। एक योजनाबद्ध ढंग से हरियाणा की आशा वर्कर्स को बाकायदा रणनीतिक ढंग से जो है हमने लड़ाई में आए, इनडेफिनेट स्ट्रगल 17 जनवरी 2018 से लेके और 1 फरवरी 2018 तक एक बड़ा आंदोलन जो है हरियाणा में रहा। 20,000 के करीब आशा वर्कर हड़ताल पर रही, पूरा का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पैरालाइज हो गया, और उसके चलते हरियाणा की सरकार को 1 फरवरी को एक एग्रीमेंट करना पड़ा। और उसी के चलते हुए उस आशाओं की उस जीत के चलते ही हरियाणा में आंगनवाड़ी का आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि हरियाणा में 50,000 जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो हड़ताल पर रही। लगभग 1 महीना हड़ताल हरियाणा के अंदर रही, 25,000 सेंटर बंद रहे, और ये भी आंदोलन जो है सक्सेस हुआ, सरकार को एग्रीमेंट करना पड़ा। और इन पूरे आंदोलनों का दबाव आप देखिए ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को पहली बार ये विधानसभा सेशन के अंदर वो यहाँ तक वो जो है इससे व्यथित थे कि उन्होंने कहना पड़ा कि ये लाल झंडा जो है लाल झंडे के लोग बदमाशी कर रहे हैं और हम इनको सबक सिखाएंगे, इनको यहाँ सफाया करेंगे। तो इस स्थिति में जो है वही मुख्यमंत्री हमारे साथ एक यूनियन के आंदोलन में 3-3 बार नेगोशिएट करता है, और जब मुख्यमंत्री जो है ये 6 मार्च को जो उन्होंने कहा विधानसभा के अंदर कि लाल झंडे के बदमाश है, वही मुख्यमंत्री हमारे आंदोलन के दबाव में 10 मार्च को दोबारा फिर हमें बुलाता है बातचीत के लिए और नेगोशिएट करता है, मांगों को स्वीकार करते हैं, और ना केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस बात पर वो माफ़ी मांगते हैं कि मैंने लाल झंडे के जो बदमाश जो शब्द का प्रयोग किया वो गलती से किया है। तो ये ताकत है। उसके बाद मिड डे मील वर्कर्स का आंदोलन है, और 3 स्कीम वर्कर्स, लगभग 1 लाख से ज़्यादा महिलाएँ हरियाणा के अंदर जो लाल झंडे के नेतृत्व में आंदोलन के अंदर रही, इससे एक बड़ा नाम गया। और आज के दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं ये हमारा एक्सपीरियंस ये है, और इसे अचीवमेंट्स जो है वो ये है कि चाहे वो मिड डे मील है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर है, वो सबसे ज़्यादा वेतन पा रहे हैं इस लड़ाई के चलते हुए। और ना केवल ये बल्कि ग्रामीण चौकीदारों को लेके, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लेके, और भी जनता के अलग अलग इश्यों को हमने लड़ाने के वो किए, और कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है हरियाणा के अंदर जो हमने ऑर्गेनाइज किया जिनको अचीवमेंट हम नहीं करवा पाए। एक बुनियादी जो बात इस पूरे मसले में हुई है वो ये है कि जो एक जाट गैर जाट के बीच में जिस तरह का विभाजन था सांप्रदायिक आधार पर हरियाणा के अंदर, जिस प्रकार से घटनाएँ आ रही है, चाहे जुनेद का मसला है, चाहे वो मेवात के अंदर जो है पशुपालक के मौत का मसला है, और भी कई तरह की इस तरह की घटनाएं हैं जिसको सांप्रदायिक आधार जो है सांप्रदायिक एक तरीके से रंग देने का प्रयास किया गया हरियाणा के अंदर। पिछले साल भर के अंदर ये जो आंदोलन हमारे नेतृत्व में हुए ट्रेड यूनियन फ्रंट के CITU के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए हैं, इन जनरल कर्मचारियों के जो आंदोलन हुए हैं, उसने एक विमर्श बदलाया हरियाणा के अंदर, और हरियाणा की सरकार को, बीजेपी की सरकार को जो नव उदारीकरण की नीतियों को बहुत तेज गति से लागू करने के प्रयास में है, उनको कई ऐसे मैटर आए जहां पॉलिसी लेवल पर उनको वापस करना पड़ा। खासकर बिजली कर्मचारियों का आंदोलन, रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन, उस मसले पर सरकार को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, नीतिगत रूप से उनको पीछे हटना पड़ा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं पर अगर जो है बेसिक ट्रेड यूनियन आंदोलन के हिसाब से अगर हमारी कमज़ोर भी ताकत है, अगर संगठित ढंग से हम प्रयास करते हैं तो उसका बड़ा बेनिफिट
उसके रूप में मिलता है। और निश्चित तौर पर हरियाणा का ये अनुभव स्कीम वर्कर्स का, विशेषकर 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं का, उसने एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक स्कीम वर्कर्स के आंदोलन के अंदर एक नया बूस्ट पैदा किया है। और अब मध्य प्रदेश और बाकी कई स्टेट्स के अंदर एक बड़े आंदोलन वो शुरू हुए हैं।